भाई ये जंगली कबूतर का बच्चा है, ये मेरे को बाहर मिला था तो मैंने भाई इसको उठा के लेके आ गया हूँ। मैंने अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, पहली बात तो ये वीडियो उन भाइयों और बहनों के लिए बन रहा है, जैसे कि मेरे पास दोस्तों कमेंट आती है यार वसीम भाई हमारे को ये बच्चा बाहर पड़ा मिला है, हम उसको कैसे पाले, क्या दाना पानी खिलाए, ऐसी कमेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आती है। यार क्या होता है कि जो बात बड़े शहरों में ये देखने में आती है, जो जंगली कबूतर होते हैं उनके बच्चे गिर जाते हैं सड़क पे, गैलरी में, चांदनी पे गिर जाते हैं। कि जंगली कबूतर की आपको आदत मालूम है कि वो घोंसला कहाँ बनाते हैं, गैलरी में ऊंची जगह पे घोंसला बनाते हैं। इसमें कई कारण ये देखने में आते हैं कि बच्चे भाई नीचे गिर जाते हैं, बच्चे नीचे गिर जाते हैं तो जंगली कबूतर की आदत कहीं नहीं कि बच्चे उठा के वापस तड़बे में रख दे। तो मेरे पास उस पर कमेंट आती है कि वसीम भाई हमारे को ये बच्चा गैलरी में मिला है, खाना पानी क्या खिलाया, हमने वीडियो आपकी पहली बार देखी, आप हमारे कुछ बताइए। तो मैं सिर्फ ये जो वीडियो है स्पेशल उन भाइयों बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, भाई ये वीडियो पे आप बने रहो, कभी आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको चलते फिरते सड़क पे, गैलरी में, आपकी चांदनी पे कभी कोई से भी कबूतर बच्चा मिल जाए तो उसको दाना पानी क्या खिलाए। मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, सिंपल तरीका है कारगर तरीका, मैं आपको दो तरीका बताऊँगा। पहला तरीका मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको कोई से भी कबूतर बच्चा मिला, मिलने के बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको दाना पानी कैसे मैं खिलाऊं या क्या करूं, तो करना क्या चाहिए आपको, आपके शहर में कबूतर वाले भाई बहुत सारे होंगे, आपके आस पड़ोस जान पहचान नहीं भी हो आप चले आओ कि भाई हमारे को एक कबूतर का बच्चा मिला है आप ले लो, वो उसको दे दो, उसको मालूम है कबूतर के बच्चे को कैसे दाना पानी खिलाना है, कबूतर बच्चे को पाल लेगा उसकी जान बचेगी। दूसरी बात, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार हम इस बच्चे को दाना पानी खिला लेंगे, वसीम भाई आप बस बता दो। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आपको कभी कबूतर का बच्चा मिल जाए सड़क पे पड़ा हुआ या गैलरी में कहीं पर भी, तो भाई ये है देसी चने, ये तो भाई बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये घर में चीज़ होती है, मार्केट में भी चीज़ आराम से मिल जाती है। अब आपको करना क्या है, ये जो चने हैं ये होना चने आपको 24 घंटे पानी में भीगे हुए चने होना। अब बच्चे आपको कितना बड़ा बच्चा मिला उससे कोई मतलब नहीं, बच्चा करीब 10 दिन का है, 12 दिन का है, ये 15 दिन का है, ये 20 दिन का आपको बच्चा बड़ा मिल गया, तो ये 24 घंटे चने आप पानी में भिगो लो। भिगोने के बाद में भाई चने काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, पानी पीने के बाद में चने फूल जाते, बड़े हो जाते। अब आपको वो बच्चा मिला, मिलने के बाद में आपने चने 24 घंटे भिगा के रख लिए, फिर आपको उस बच्चे को बस चोंच खोलना है, और मैं आपको दोस्तों बता दूंगा किस तरीके से करना है, चोंच खोलना है और ये दाना उसके मुँह में डाल देना है। जितना बड़ा बच्चा हो आपको लग रहा है कि ये जो बच्चे के पेट में हम 8 दाने ये 5 दाने डाल सकते हैं, डाल दो। डालने के बाद में आपको इतना बड़ा इंजेक्शन होना ज़रूरी है, ये भी आप मेडिकल स्टोर से लेके आ जाओ, उस बच्चे को आपको इंजेक्शन से पानी पिलाना है, इस तरह से आप पानी भर लेना है, कप के अंदर पानी रख लेना, कप में से पानी खींच के और कबूतर बच्चे की चोंच खोलना और वही पानी उसको पिला देना है ना, पानी करीब आप उस बच्चे को पिला, उस बच्चे को दोस्तों इतना पानी पिला देना है कि उसको पेट में आ जाए, ना ज़्यादा ना कम। और ये देसी चने आपको इतना खिलाना है कि उसके पेट में आ जाए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है मेरे भाई। ये आपको कंटिन्यू 24 घंटे में एक बार ये चने खिलाना है, क्योंकि भाई चने होते हैं ताकतवर, चने जल्दी से पेट में गलते नहीं है, हजम नहीं होते, तो आप ध्यान से ये सावधानी से काम करें, क्योंकि या तो आपके पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि बार बार आप बच्चे को दाना पानी खिलाएं, ये तो नहीं हो पाएगा। पानी आप पिला सकते हो, पानी का कटोरा रख दो, कुछ भी रख दो कि बच्चा बड़ा है तो पानी पी ले, नहीं तो पानी आप दिन में 3 से 4 बार 5 ml 10 ml उस बच्चे को पिला सकते हो, वो जहाँ लग रहा है कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है, आपको लग रहा है कि उसको आज़ाद करना है, तो मेरा भाई इसको बुला दो
नहीं तो आपके भाई आप इतने टाइम से उसको हाथ से दाना पानी खिला रहे हो, साथ में लेके घूम रहे हो, तो वो आपके पास वो कबूतर हिल जाएगा, आपके पास वो कबूतर हिल जाएगा, आपको पहचान लेगा वो, फिर आपके घर छोड़ के वो नहीं जाएगा, हमेशा आपके पास रहेगा। भाई ये मेरी वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि भाई मेरे पास नए नए भाई भी कमेंट आती है, क्योंकि उनको कबूतर बारे में कुछ नहीं मालूम, कबूतर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और जंगली कबूतर के बच्चे मैं आपको बता दूं, जंगली जो बच्चे होते हैं ना वो काले कलर टाइप के होते हैं, नीले टाइप के, ये आप हमेशा ध्यान रखना आपसे पालते बने। तो भाई मैंने बहुत ही आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका बताया हूँ, ज़्यादा हार्ड तरीका नहीं बताया हूँ, ये तरीका करो रिजल्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। मेरा बच्चा है ये मेरे को बाहर मिला था, तो मैंने भाई इसको उठा के लेके आ गया हूँ, मैंने भाई कबूतर के नीचे रख दिया हूँ, कबूतर इसको दाना पानी खिला रहा है, बाकी मार क्यों रहा बेटा उसको। कभी आपके पास किसी ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि आप कबूतर के नीचे रख दो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये चने हैं, इस तरीके से बच्चे को भाई चोंच खोलना आपको, और ये चने भाई देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये चने आपको मुँह में छोड़ देना है। देखा आपने दोस्तों, ये चने ने डाइट पेट में ले लिया, ये दो चने, ये तीसरा वाला, और भाई ये चौथा, और ये पांचवा। आपको लग रहा है कि हमने बच्चे को छः सात दाने आठ दाने दे दिए हैं, इसका पेट भरा गया है, और इस इंजेक्शन से भाई पानी पिला देना है, पानी तो अभी खैर मैंने भरा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस चोंच खोलना, पानी इसके मुंह में डाल देना है, 5 से 10 ml पानी पिला के उसको छोड़ देना है। तो आपको लग रहा है कि 24 घंटे में एक बार दाने खिलाने चाहिए, तो आप 24 घंटे में एक बार इसको ये चने खिलाइए, और पानी की मात्रा ज़्यादा रखो, इंशाल्लाह भाई आपका वो कबूतरा बच्चा जो भी आपको बाहर पड़ा मिला है वो भाई उस बच्चे की ग्रोथ होंगी, बच्चे की संभाल होंगी, और भाई फिर बच्चे को आप उड़ा देना, जहाँ तक कोशिश ये करें कि उस बच्चे को आप उड़ा दो, आज़ाद कर दो, क्योंकि भाई जंगली कबूतर के बच्चे हैं ना वो बड़े होने के बाद वैसे भी भाग जाएंगे वो। भाई ये थी वीडियो जो हमने आपके साथ भाई शेयर करे है, तो इस वीडियो को प्यारी सी कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।